आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 82 साल के उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब मंगलवार आज 3 बजे मुलायम सिंह यादव के पैतृक गाँव सैफई में अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले ही सुबह 10 बजे सैफई मेला ग्राउंड में के पंडाल में अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया था, जहां पे पूरे प्रदेश से आए हुए नेता और कार्यकर्ता और जनता उनको श्रद्धांजलि दे रही थी। आज भी बड़े बड़े नेताओं ने आके उनको श्रद्धांजलि दी और अपना शोक व्यक्त किया। चलिए आपको ले चलते हैं सैफई मेला ग्राउंड में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर नेताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और उनके दर्शन के लिए वहाँ पे एकत्रित जनता उनका अंतिम दर्शन कर पा रही है। हमारे साथ सैफई से लाइव है हमारे संवाददाता गौरव। गौरव, वहाँ पे नेताजी का पार्थिव शरीर रखा गया है और जनता के दर्शनों के लिए वहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूँ एक भारी हुजूम नेताजी के अंतिम दर्शनों के लिए वहाँ पे मौजूद है। क्या जानकारी इस समय वहाँ से आपके पास है? जी मनीष, आपको बता दूं जो अभी इस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पर नेताजी का 3 बजे के लगभग अंतिम संस्कार किया जाना है। उसकी सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा उस जगह को दिखाएं। यहाँ पर थोड़ी दूर पर जगह है, महज 50 मीटर पर वो जगह है जहाँ पर अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो होने वाली है। और अभी फिलहाल जो नेताजी का शव है, उनका जो पार्थिव शरीर है, वो फिलहाल अभी मेला ग्राउंड में रखा गया है। अभी भी लोग उनके भारी जू में उनके दर्शन को आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्योंकि उनका जो कर था मनीष, वो कर ऐसा था कि वो जनप्रिय नेता थे, हमेशा कार्यकर्ताओं को बीच में रहने वाले नेता थे, हमेशा सबके प्रिय नेता थे। चाहे विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, सभी लोग उनको चाहते थे। वही चाहता नजर आ रही है कि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी आए थे, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इसके तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं। अब मैं देखा था मेदांता में उनका निधन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ गए थे। इसके अलावा तमाम जो बड़े नाम है, अमित शाह भी वहाँ गए थे, राजनाथ सिंह भी वहाँ गए थे, और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पर आए थे, स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर आए थे। तो ये जो आना है लोगों का, ये श्रद्धांजलि है, ये बताती है कि उनका कद क्या था। क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी भी नहीं, भारत छोड़ो यात्रा के दौरान अपनी यात्रा को थोड़ा समय के लिए रोककर उनको श्रद्धांजलि दी थी। वहीं नरेंद्र मोदी जब गुजरात में एक जनसभा कर रहे थे, उन्होंने भी गुजरात में जनसभा के दौरान अपनी जनसभा को थोड़ा रोककर उनको श्रद्धांजलि दी थी। उनके पुराने प्रसंग को याद किया था जब 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था कि आप प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह इस छवि के नेता थे और निश्चित से मन से मुलायम रहते लोहा, उनकी जो एक छवि थी वो आज भी जनता याद कर रही है। और ये लोग आए हैं मनीष, वो लोग ये बता रहे, लोग हुजूम, लोग ताता और लोगों का ये सराह भी बता रहा है कि मुलायम सिंह यादव केवल नेता ही नहीं बल्कि उनके परिवार के मुखिया थे, सदस्य थे। और ये लोग यहाँ पर कोई आजमगढ़ से आया है, कोई जमशेदपुर से आया है, कोई सोनभद्र से आया है, अलग अलग राज्यों से आए हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर हम देख रहे हैं मनीष, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ी दूर पर यहाँ पर एक जगह बनाई गई है, यहाँ पर ही अंत्येष्टि क्रिया होनी है। 3 बजे का लगभग बताया गया है कि वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तैयारी शुरू हो चुकी है। आप यहाँ पर देख चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्यकर्ताओं का हुजूम, यहाँ पदाधिकारी भी है, कार्यकर्ता भी है। और ये हुजूम बता रहा है कि नेताजी के सभी के नेता थे, कर क्या था, वो तपरेश ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेताओं में एक थे और बड़े कोते नेतों में उनकी गिनती है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर भी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी उनके अमर होने के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर लोग हजूम बता रहा मनीष कि किस तरह की उनका कद था, किस तरह की छवि थी। मधुभाषी नेता थे, धरती पुत्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसानों से जुड़े हुए रहे हैं, धरती से जुड़े हुए रहे हैं, समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष किया है। और निश्चित रूप से 8 बार के विधायक, 7 बार के सांसद ऐसे ही नहीं बन जाता है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, ये कद किसी साधारण व्यक्तित्व का नहीं है, ये कद उस नेता का है जिसने देश को बहुत कुछ दिया है। जनता का बड़ा हुजूम, कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम वहाँ पे इकट्ठा है जो उनके अंतिम दर्शन कर रहा है और उनको अंतिम विदाई के लिए भी वहाँ पे मौजूद है। गौरव, वहाँ पे कितने बड़े बड़े नेता अभी वहाँ तक पहुँच चुके हैं और सत्ता और विपक्ष के जो अभी नेता वहाँ पे आके उनको श्रद्धांजलि दिए हैं, इनके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी देख, कल यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी भी आए थे, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जल शक्ति मंत्री यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह भी आए थे। कल रात को लगभग लगभग 11:30 के लगभग यहाँ पर अब्दुल्ला आजम और आजम खां भी आए थे। हालांकि आजम खां की तबियत ठीक ना होने चलते वो व्हील चेयर पर आए थे, पर चूँकि अपने साथी को, अपने नेता को यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि उनका देना उनका भी उनका दायित्व था। और निश्चित रूप से बीमार होने के बावजूद उनकी स्थिति ये नहीं थी, चल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर व्हील चेयर पर आए थे। ये अपनापन दिखाता है कि उनकी छवि क्या थी। मनीष, निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों का ताना बाना आना
जाना शुरू है। यहाँ चंद्रबाबू नायडू भी आए थे जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मनीष यहाँ पर रीता भवना जोशी भी आई थी और सत्ता पक्ष के विधायक भी आए थे, सत्ता पक्ष के सांसद भी आए थे। तो इसके अलावा जो विपक्ष है उसके सांसद विधायक भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि कभी सत्ता विपक्ष के बीच में केंद्रित नहीं रही, उनकी छवि हमेशा सबके लिए रही है। अगर अच्छा ही है तो उसकी तारीफ भी करते रहे, अगर खराब है तो उसकी बुराई करने की जो शैली है वो नेताजी की रही है। के पीछे एक सर्कल बना हुआ है जहाँ पे खाली स्पेस बनाया गया है, घेरा बनाया गया है, उस घेरा का क्या महत्व है, वो घेरा वहाँ पे क्यों बनाया गया है, वहाँ पे कोई विशेष अतिथि आने वाले हैं? यही वही जगह है जहाँ पर थोड़ी देर में, अच्छा जी देखिए मनीष, वो वहाँ पे जो घेरा बनाया गया उसी घेरे के अंदर अभी थोड़ी देर में ही 3 बजे के लगभग कहा जा रहा है कि उनके नेताजी का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो शुरू होगी। और निश्चित रूप से यहाँ का हजूम में आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगाई हुई है, तमाम तरह की पुलिस व्यवस्था मनीष यहाँ पर लगाई गई है, पर चूंकि कार्यकर्ता इतने हैं, जनसैलाब इतना है, अनुमान से अधिक यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तो फिलहाल उनको संतुष्ट किया जा रहा है, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि नेताजी को आप अंतिम विदाई यहाँ पर देने जरूर आए, पर कम से कम व्यवस्था को बनाए रखें। और ये हजूम बता रहा है मनीष कि नेताजी कर क्या था, और अभी थोड़ी देर में अभी लगभग 1 घंटे बाद उनके अंतिम संस्कार की क्रिया, उनको अंतिम विदाई की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। जी हाँ गौरव, देख पा रहा हूँ कि पूरे प्रदेश से वहाँ पर लोग इकट्ठा हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और आपके आसपास भी लोग काफ़ी खड़े हुए हैं, वो भी मुझे लगता है नेताजी को लेकर कुछ जरूर कहना चाह रहे होंगे, उनसे भी थोड़ा सा बात कर लीजिए। जी बिल्कुल, कहना चाहेंगे, हमारे साथ एक बाबा जी हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे। मैं प्राइम टीवी का पहले हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, और सर आपका नाम जानना चाहेंगे। गौरव जी जो हमारे संवाददाता हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी का, कि जो यहाँ से हमारे 130 करोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को माननीय मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र जिन्हें लिखा गया, जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे, जिन्होंने पार्टी का आविष्कार किया, और वो जमीनी नेता किसान नेता इसी सैफई में पैदा हुए। दोस्तों सैफई में गम की लहर दौड़ रही है, क्योंकि इनका शव जो है कल मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली से लाया गया। मेदांता हॉस्पिटल जो है दिल्ली का मशहूर हॉस्पिटल है, और वहाँ से ये लाके कल तारीख जो है 10 मतलब अक्टूबर थी, दिन सोमवार था, आज 11 अक्टूबर और दिन मंगलवार को इनका शव जो है यहाँ विलय किया जाएगा पंचतत्व में। और मैं रूपकिशोर योगराज कंपिल फरकाबाद, हमारा तीर्थ अलीगंज थाना नयागांव, गुरु मैं कुछ कह रहा हूँ, और मैं जल्दी में ही कह रहा हूँ सर, आप हमारी बात को समझिए। और दूसरा हमारा नगला उलाल पोस्ट गई थाना नयागांव अलीगंज जेठा में पड़ता है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय नेताजी ने लगातार 7 बार विधायक रहे, उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री रहे, प्रधानमंत्री बनते बनते बच गए, लेकिन नहीं लोगों विपक्ष ने बनने दिया, समझ आएंगे ज्यादा नाम जल्दी जल्दी खबर दे रहे हैं, लेकिन आगे पहलवान भी रहे, और उसके बाद माननीय महोदय जी जो है बहुत अच्छी कुश्ती भी लड़ते थे पहलवान के साथ, टीचर भी रहे। लेकिन एक बात और बताऊं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के सरबराहकार हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी जीवन नैया के सबसे बड़े ये जो है मलाह थे, नाविक थे, और धर्मनीत में स्वामी आधार चैतन्य खुदर नगला, इन्होंने भी बहुत अच्छा यादवों में नाम किया, यदगुरु सोमरी में जो खुदर नगला मैनपुरी जिला से बिलोंग करता है, ज्यादा ना कहते पूरे यदवंश के साथ साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, और ये हम ये माला भी लाए हैं, और माननीय हम जो है टीवी पर प्राइम टीवी पर माननीय संवाददाता सर क्या नाम बताए श्री जी के साथ प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ एक सज्जन और मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। हम भदोही जिले से आए हैं, कमला शंकर बिंद महतो, हम नेताजी से 1967 से जुटे हुए हैं, और माननीय नेताजी हमको पहली बार जब विधायक हुए थे नेताजी तब से जुटे हैं, और वो हमको बहुत सम्मान देते हैं, हम बिन समाज के लोग हैं, हमारे समाज को उन्होंने 4 फरवरी 2004 को विधानसभा में 17 जातियों का आरक्षण दिया, यही नहीं हमारे समाज की बेटी स्वर्गीय फूलन देवी को जेल से निकाल करके हमारे भदोही मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद बनाया माननीय नेताजी, इसलिए हम पूरे समाज के लोग, और जब जब चुनाव होता है माननीय नेताजी अखिलेश जी हमारे बिन समाज के लोगों को ज्ञानपुर और भदोही से लोकसभा और विधानसभा का प्रत्याशी बनाते हैं, और हमको व्यक्तिगत नेताजी बहुत सम्मान देते थे, चौधरी साहब के यहाँ जब नेताजी रहा करते तब भी, और नेताजी के साथ मैं जो बनारस जेल में भी रहा हूँ, रामकोला देवरिया गन्ना आंदोलन में नेताजी के साथ मैं बनारस की जेल में रहा हूँ। बहुत बहुत जो जानते मनीष कि उनके मन में क्या सब संवेदना चल रही। मैं रामचंद्र यादव जनपद भदोही से ज्ञानपुर विधानसभा से हूँ, और हम लोग अपने नेताजी की जो क्षति हुई है, जैसे ही हम लोगों ने सुना पूरे हमारे ही नहीं पूरे देश में
ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई शायद संभव जो है हो पाए, क्योंकि नेताजी को जब से हम जानते हैं हमारे जनपद को उन्होंने बहुत कुछ दिया। हमारे जनपद का नाम भदोही रखने वाले नेताजी थे। क्योंकि हमारा जनपद पहले वाराणसी था और हम लोगों के घर से 100 किलोमीटर दूर था, हम लोगों ने अपनी पीड़ा को जब बताया तो नेताजी ने हमारे भदोही जनपद का 20 जून 1994 को हमारा जनपद जो है भदोही बनाया। और बिंद समाज की जो देवी के रूप में कहा जाता है फूलन देवी को, उनको जेल से निकाल करके हमारे ही भदोही लोकसभा से जो है सांसद बनाने का काम नेताजी ने किया था। और जो नेताजी की क्षति हुई है, जो समाजवादी की क्षति हुई है, आज सैफे ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जो है गम के शोक में डूबा हुआ है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, नेताजी हम लोगों के आदर्श थे, आदर्श रहेंगे और उनके विचार हम लोगों के जेहन में आजीवन रहेंगे। आज नेताजी नहीं है लेकिन उनके विचार हम लोगों के जेहन में आजीवन रहेंगे। और हम अपने साथ साथ अपने आने वाले बच्चों के भी जेहन में भी नेताजी के विचार को रखना चाहते हैं, हम उनके विचार को जिंदा रखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं नेताजी आज भले न हो लेकिन उनका विचार इस संसार में रहे। हमने देखा कि लोगों के लोग चाहते हैं कि नेताजी के विचार जो है, नेताजी तो अब नहीं रहे पर उनके विचार वो चाहते हैं कि लोगों के मन में रहे, लोगों के बीच में रहे और अपने बच्चों को भी नेताजी जैसा मन से मुलायम और इरादे लोहा जैसा बनाना चाहते हैं। और ये उनकी बात बताती, संवेदनाएँ बताती, उनके विचार बताते हैं किस तरह से जुड़ाव उनका रहा है नेताजी से। मुलायम सिंह यादव जिनको धरती पुत्र और मन से मुलायम इरादे लोहा वाली छवि के नेता मुलायम सिंह यादव आ रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी देर में उनके अंत्य संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है मनीष, और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है। और हुजूम किसी बात को लेकर नहीं, उनकी संवेदना देने के लिए, अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर आया है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि लोग हुजूम बढ़ता जा रहा है। हुजूम इस तरह का है कि सारी व्यवस्था यहाँ पर खराब हो गई थी, प्रशासन लगा हुआ था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पर नेताजी के जो लोग हैं, चाहने वाले, उनके प्रशंसक हैं, वो कहीं भी अपने आप को रोक नहीं पाए और लगातार नेताजी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए वो नज़दीक आना चाह रहे थे और लगातार ऐसी व्यवस्थाएँ खराब होती रही। जी हाँ गौरव, मैं देख पा रहा हूँ कि नेताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और उनको पूरे सम्मान के साथ लोग आ रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और पीछे जैसा कि नज़र आ रहा है कि वहाँ पे मेला ग्राउंड में उनके दाह संस्कार के लिए पूरा व्यवस्था हो रही है और 3 बजे का जो उनका पंचतत्व में उनको विलीन करना है उसके लिए भी तैयारियाँ पूरी हो रही हैं। आपको बता दें कि सैफई वहीं जगह है जहाँ से नेताजी ने ताल ठोक कर अपनी शुरुआत की थी और देश प्रदेश का पूरी देश में उन्होंने अपना परचम लहराया था। आज उनका सम्मान इसीलिए इतना ज़्यादा किया जाता है, धरती पुत्र के रूप में उन्हें उपाधि दी गई है और बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही प्रेमी और बहुत ही सरल स्वभाव के नेताजी थे, बहुत ही मिलनसार नेताजी थे। वहीं इनका मनीष बहुत बड़े नेता थे और जी तभी आज उनके प्रेम, उनके प्रेम के वशीभूत होकर ही इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनता आज उनके अंतिम दर्शन के लिए आई हुई है। और राजनीति गलियारे में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी क्षति कही जा सकती है। मनीष यहाँ पर जी गौरव, मनीष कि मुलायम सिंह यादव का कद क्या था, केवल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं थे, देश के नेता थे और लोगों का हुजूम बता रहा है, लोग यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये स्पष्ट गवाह है कि उनकी छवि एक ऐसे नेता की थी जो सत्ता विपक्ष परे था, जो प्रत्येक कार्यकर्ता को उसके नाम से जानता था, उसकी जगह से जानता था, उसके काम से जानता था। और ये जो उनकी कार्यशैली थी, ये जो राजनीतिक जो उनकी व्यवस्था थी, वही उनको आगे जाकर उनको नेता सम्मानित किया। अगर हम बात करें तो नेताजी तमाम लोग कहा जाता है पर जो नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे, उन्होंने नेताजी शब्द को चरितार्थ मानी यहाँ पर किया था। और बने रहिएगा, मैं तमाम तरह के अपडेट आने भी देता रहूँगा। जी गौरव, आपके साथ मैं बना रहूँगा और तब तक थोड़ा सा एक अल्प विराम लेते हैं। अल्प विराम के बाद फिर आपसे मुखातिब होंगे और जानेंगे वहाँ पर क्या नया अपडेट चल रहा है और क्या वहाँ की नई सूचनाएँ हैं। जी जी, आपको बता दें मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के बड़े समाजवादी और किसान नेता के रूप में थे। एक साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था और अपने तेज प्रतिभा और प्रगतिशील विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़े और आज देश प्रदेश में उन अपना परचम लहराया। फिलहाल मिलते हैं छोटे से मुलायम सिंह यादव का पूरा प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा था। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अनपिछड़ा वर्ग समाज का सामाजिक स्तर के ऊपर उठाने का महत्वपूर्ण काम किया था। सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश के राजनीति में अनपिछड़ा वर्ग व
महत्वपूर्ण स्थान था। पूरे देश प्रदेश में उन्होंने अपना प्रेम से परचम लहराया और यही प्रेम आज उनका सफाई मैदान में भी नजर आ रहा है। फिलहाल पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेते एक छोटा सा विराम। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।